मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। आज की इस लाइव क्लास में मैं राजेंद्र जोधपुरिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस लाइव क्लास में आपके सवालों को लेंगे कि आपको कोर्स ज्वाइन करके क्या क्या लाभ हो रहा है, कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, आप मुझे आज की इस लाइव क्लास में बताएंगे। तो अभी हमारे साथ कुछ व्यूअर जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले एक-एक व्यूअर को अनम्यूट करूंगा और पूछता चलूंगा। तो आपको भी कुछ पूछना है तो आप जरूर लिख कर रखें। जो जो पूछना चाहते हैं आप पहले से डायरी में लिख लें, ताकि आपको लाइव में जब पूछने के लिए कहा जाए तब ऐसा ना हो कि कुछ भूल गए हैं, कुछ आधा अधूरा पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले नमिता जी है। नमिता जी, आप हैंड रेज कीजिए ताकि मैं आपको अनम्यूट कर पाऊं और आप अपना सवाल रख पाएं। नमिता जी, नमिता दियाली जी का नाम यहाँ शो हो रहा है। मैं आपको कुछ जरूरी सूचना देना चाहता हूं कि आज मैंने ऐप के ऊपर एक और वीडियो अपलोड किया है। वो मेडिटेशन से संबंधित है कि आप अपने ऑब्सेशन को कैसे कम करें, घबराहट को कैसे दूर करें, चिंता को कैसे कम करें। तो उसके लिए आपको वो वीडियो जरूर देखना है। तो अभी हमारे साथ अमन जी जुड़ चुके हैं। अमन जी, आपका स्वागत है। आप हैंड रेज कीजिए ताकि आप अपना सवाल रख पाओ। अमन जी, अमन जी के नाम से इनका अकाउंट है। अमन जी, आप हैंड के आइकन के ऊपर क्लिक करें। और संध्या मित्रा जी भी आ चुके हैं। संध्या मित्रा जी, आप भी हैंड के आइकन के ऊपर क्लिक करें। तो अमन जी की रिक्वेस्ट आ चुकी है। जी, आपका स्वागत है। जी बोल क्वेश्चन नंबर। जी आप सुन पा रहे हैं? अरे मैं हाँ, अरे जी, कैसे हैं? अरे अमन जी भी आ चुके हैं। हाँ, आज मैं भी हूँ। हैप्पी जी, होली। आपकी समस्या कैसी है? क्या क्या? आपकी समस्या कैसी चल रही है? समस्या भाग गई ना आपकी? अच्छा, समस्या जी थेरेपी? अच्छा थेरेपी। हाँ, मैं आपकी वीडियोस देख रहा हूँ कोर्स अच्छा की, और वो वीडियोस काफी काम की हैं, बहुत सही हैं। वो जैसे एक एक चीज पर टारगेट करती हैं, जो जो दिमाग में डाउट्स होते हैं, और फिर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल क्लैरिफाई कर देती है डाउट को। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने इतनी सारी चीजें बताई हैं, इतने सारे तरीके बताए हैं, जी तो अब जब भी हम होंगे कहीं भी ऐसी जगह जब कंपल्शन कर सकते हो हम, तो उस टाइम में अब हमें सारे तरीके याद कैसे आए, क्योंकि इतना कुछ दिमाग में घुसता ही नहीं है। देख लिया वीडियो, फिर हो गया जी काम, बट अरे फिर तो याद ही नहीं कल की वीडियो वाला, पर हमें तो नेक्स्ट वीडियो भी देखनी है, उसका भी जी एक्स्ट्रा आ जाता है। कहीं पर फ्रीज नहीं होना है, ये नहीं होना, तो कहीं कंपैरिजन नहीं करना है, फिर कहीं ये इधर, इतनी सारी चीजें होती हैं। और जब तक हम ये सब सोचेंगे कि इस सिचुएशन में क्या करना है, तब तक तो कंपल्शन हो चुका होगा, तो जी करेंगे कब, क्या कैसे, ये सब याद कैसे रहे? जी जी याद आपको रखना नहीं है, आपको कोई एक तरीका अच्छा लगेगा, आपने तरीके ट्राई करने। आप एक-एक तरीके से उस समय भी ट्राई करो जब आपको कोई घबराहट नहीं है, बेचैनी नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको भीड़ में जाने से प्रॉब्लम होती है, तो आज आपने एक तरीका सीख लिया, तो आप भीड़ में जाइएगा, पहले से तैयार करके जाइएगा कि मैं भीड़ में जा रहा हूं और मैंने आज इस्तेमाल करना है। तरीका इस्तेमाल कीजिए, फिर दूसरे दिन भी भीड़ में जाइए, फिर दूसरा तरीका इस्तेमाल कीजिए। इस तरह से आप बार बार वही तरीके, अलग अलग तरीके प्रयोग करते जाएं, तो उनमें होगा क्या कि आपको एक तरीका अच्छा लगेगा, एक तरीके से आपको बहुत ज्यादा रिलीफ महसूस होगा और आपकी जो समस्या है, ओसीडी है या कंपल्शन करने की आदत है, वो छुटती हुई सी नजर आएगी। तो आपने उसी तरीके को पकड़ना है, उसी तरीके के ऊपर बार बार एक्सपेरिमेंट करना है, इतनी सी बात है। जी ओके और अगर हम एक तरीका लगाएं और अगर हम उस टाइम पे सफल ना हों उसमें, तो लगता है क्या कर नहीं पाएंगे वो
फिर उस ना टाइम क्या दूसरा तरीका करेंगे? ट्राई करें, फिर दूसरा तरीका, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे एक तरीका ऐसा होगा जो आपको क्लिक कर जाएगा, फिर उसी तरीके को फॉलो करना है। क्योंकि अर्जुन के ऊपर भी तो कृष्ण तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले ज्ञान योग कहा, काम नहीं आया, कर्म योग कहा, काम वो भी नहीं आया, भक्ति योग कहा, काम वो भी नहीं आया। तो कृष्ण भी तो अलग-अलग तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, बातें वही है, सार एक ही है। सभी तरीके जो मैंने बताए हैं उन तरीकों की मंजिल एक ही है, उनका जो लक्ष्य है वो एक ही है, लेकिन वो रास्ते अलग-अलग हैं। क्योंकि इंसान अलग-अलग है ना, तो आप पर कौन सा तरीका इस्तेमाल होगा वो आपको ट्राई करके देखना होगा। तो ऐसे ही तो कृष्ण कर रहे हैं, उसको अलग-अलग एंगल से समझा रहे हैं। उनका सार इतना ही है कि अर्जुन युद्ध करे, बस अर्जुन अच्छी तरह से युद्ध करे, अपना कर्म करे, इसके अलावा और कृष्ण का कोई मकसद नहीं है। तो उसको मनाने के लिए, तैयार करने के लिए अलग अलग अंदाज से, अलग अलग एंगल से बातें हैं, समझा रहे हैं। तो ऐसे ही वो तरीके हैं, तरीकों का जो मोटिव है वो एक ही है। जी अच्छा, अब समझ आ रहा जी अब समझ में हूँ। आया। आप जी आपकी मम्मी पीछे बोल रही हैं, सामने क्यों नहीं आ रही हैं? वो पता नहीं क्यों नहीं आ रही हैं। सबसे उनको सामने से? पहले इसकी समस्या सुलझा ली जाए ना, ये फिर चला जाएगा। हाँ, ओसीडी वालों की यही होती है कि पहले सब खुश हो जाएं, उसकी समस्या भी सुन जाएंगे, आपकी भी। तो आपका इलाज होना भी तो बहुत जरूरी है ना। अगर नहीं, मां ठीक वैसे रहेगा ना। मेरे अंदर शांति बहुत आ गई। जैसे पहले हलचल सी मची रहती थी ना, वो सब गायब हो अच्छा, कैसे शांति आई, पूरा खुल के बताओ। है। आपकी जैसे ये वीडियो वगैरह देखी है ना, ये वो स्पेस का देखा है, ये सब देखा है, तो इसको देखने से एकदम मतलब शांति आ गई। कंपनसन तो धीरे धीरे ही जाएंगे, अब तो ये भी हाँ समझ में आ गया है। पहले लगता था कि आप सही कहते हो ना कि जादू कर देंगे, अब वो चीजें समझ में आ रही है ना, सारी चीजें। जी हाँ, बहुत शांति है, मतलब एक रिलीफ सा मिल रहा है कि जिंदगी मतलब एकदम कितनी अच्छी सी हो गई है। मतलब कोई टेंशन बाजी नहीं होती, जैसे पहले थोड़ी थोड़ी चीजों से वो होती थी ना, टेंशन हो जाती थी, ये सब चीजें अच्छा अब नहीं होती है। जी 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 बच्चे भी कहते हैं, मम्मी अब तो कितना चेंज आ गया आप में। अच्छा, मम्मी बदल गई हैं। हाँ, हाँ वैसे आपने ये बहुत अच्छा, ये कह रहा था ये 6 महीने बाद आपकी वीडियो गायब हो जाएंगी क्या? हाँ 6 महीने बाद तो गायब हो जाएंगी। नहीं, ये आपको गायब नहीं करनी, हमारे पास ही रहने देनी चाहिए ना, फिर हम देखते रहेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, 6 महीने बाद आप दोबारा ले लीजिएगा, अच्छे, कोई नहीं, मैं आपको आप वैसे दे अपनी दूंगा। लाइफ की कहानी बताइए, आपको कैसे ओसीडी हुआ था और वो कैसे ठीक हुआ। हाँ, मैं बहुत सारी, हर महीने मैं इसके ऊपर 10 घंटे का डाटा अपलोड करता रहूंगा, हर महीने मैं दस अच्छे पंद्रह वीडियो नई ऐड करता रहूंगा। अच्छे जी और कुछ कहना चाहते हैं कोर्स के विषय में? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा जी है। हाँ, इसके भी जितने भी डाउट थे, सारे मतलब डाउट है ना, वो सारे क्लियर हो रहे हैं। अरे वाह, चलो आपने नहीं, बहुत फायदा लिया है, आपके पूरे परिवार ने फायदा लिया है, तो ये बहुत खुशी ये की तो बात। अभी अभी आया है ना, तो इसने तो अभी देखा है, तभी ये कह रहा था लाइव क्लास मैंने की ले नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों। मेरा भी तो मूड होता है ना, जैसा मैंने टाइम एंड स्पेस में बताया कि मैं भी तो मूड के हिसाब से चलता हूं ना। हाँ, चलो हाँ, कल ठीक मेरा मूड नहीं था, अभी मेरा मूड बन है जाता है तो मैं आ जाता हूँ। हाँ, तो मैं जो आपको सिखा रहा हूँ वैसा ही मैं फॉलो करता हूँ, कि जिस दिन मेरा मूड ना हो मैं नहीं आता, और जिस दिन मूड लगातार बन गया तो मैं कुछ दिन लगातार भी आ जाऊंगा। हाँ जी, तो अभी मेरा मूड बना हुआ है, कुछ दिन तक तो आप मूड बना रहेगा। होली मुबारक हो आपको। आपको भी होली मुबारक हो, आपके पूरे परिवार को। हाँ, जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक जी, तो ये थे अमन जी और उनके मम्मी जी, तो इनको कोर्स से बहुत फायदा हुआ, आपको भी फायदा हुआ है, सबको फायदा हुआ है। ये आपके जो कमेंट्स है वो भी बताते हैं और आपकी बातें भी बता रही हैं। तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं संध्या मित्रा जी की तरफ। तो संध्या मित्रा जी, आप हैंड रेज कीजिए ताकि हम आपको यहाँ
लाइव में शामिल कर पाए। उसके बाद रोहित सिंह जी, ये है टिनसुकिया, और सरस्वती जी, आप में से कोई भी हैंड रेज कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं, अपना सवाल रख सकते हैं। कोर्स से आपको लाभ हो रहा है वो भी आप बता सकते हैं, ताकि सभी को प्रेरणा मिले, सभी उत्साहित हों, सभी मोटिवेट हों। तो मैं ना, संध्या जी ने हैंड रेज कर दिया है, तो संध्या जी वेलकम है आपका। संध्या मित्रा जी वेलकम। हेलो संध्या जी, संध्या जी आप सुन पा रही हैं? शायद संध्या जी मेरी आवाज नहीं सुन पा रही हैं। संध्या जी आप सुन पा रही हैं? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही हैं, तो आप दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट व्यूवर ये तिनसुकिया जी हैं, सरस्वती जी हैं, आप में से कोई भी माइक अनम्यूट करना चाहें तो आप अनम्यूट करके जरूर पूछिएगा। कोई टेक्निकल इश्यू के कारण संध्या जी अपनी बात नहीं रख पाई, तो तिनसुकिया जी, सरस्वती जी में से कोई भी अपना सवाल रखना चाहें जी, या संध्या जी आप दोबारा से हैंड रेज कीजिएगा ताकि मैं आपको अनम्यूट कर पाऊं। अभी व्यूअर जी मैं अनम्यूट कर देता हूं जी। संध्या जी आप सुन पा रही हैं? हेलो सर, गुड इवनिंग सर। हेलो संध्या जी आप सुन पा रही हैं? हेलो, हाँ संध्या जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? शायद हेलो, कोई टेक्निकल इश्यू है या नेटवर्क प्रॉब्लम है, उस कारण से संध्या जी आप ईयरफोन हटा दें या ईयरफोन लगा रखे हैं, तो कोई ना कोई कारण हो सकता है, कोई ना कोई टेक्निकल एरर है जिसके कारण आप सुन नहीं पा रही हैं या आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। तो संध्या जी के बाद तिनसुकिया जी, सरस्वती जी, आप में से कोई भी सवाल पूछना चाहें तो मोस्ट वेलकम है। तो इसके जी सरस्वती जी ने, जी सरस्वती जी वेलकम है आपका। जी सरस्वती जी आप सुन पा रही हैं? हाँ सुन पा रही हो, बोलिए। जी जी कैसे हैं? अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूं। तो आपको कॉल ज्वाइन किए हुए कितने दिन हो गए? क्या बोले? कोर्स को ज्वाइन किए हुए कितने दिन हुए? मेरे को अभी महीना होने को आया है ना। अच्छा, महीना होने को आया है, क्या 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 सीखा हाँ है? सीखा है अभी मेरे को ना, क्या होता है काम के, मतलब आप बोले ना समय नहीं जाता है, मेरा समय तो ऐसा जाता है कि पूछो ही मत, घड़ी का टाइम ही पता नहीं चलता, इतना काम रहता है, काम बहुत रहता है, बहुत अरे वाह, बिजी रहती हैं आप। बिजी हो। लेकिन क्या होता है, बाथरूम में जाएगी ना तो बहुत देर लगती है, यही प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं। अरे तो कोर्स से क्या क्या फायदा हो रहा है? कोर्स से फायदा मतलब ऐसा समझ में आ रहा है कि समय का इंतजार करो, समय ही सब कुछ है। हाँ हाँ समय पे सब छोड़ दो, छोड़ रही मैं अभी समय पे ही, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। हाँ जी, तो उससे शांति मिल रही है। मतलब ऐसा लगता है कि चलो समय जो चल रहा है वो ऐसा ही है, मतलब जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, आगे होगा वो भी अच्छा होगा, ऐसा ही करके थोड़ा ये हो रहा है। लेकिन ना बाथरूम में जाती है ना तो अलग सा फील होता है, बाहर आने को ही मन नहीं करता है, पानी से बार जी बार जी हाथ धो। हाँ फिर मन वो ओसीडी, में सोचती है नहीं। हाँ वो आपकी ओसीडी पकड़ रही है हाँ पर अंदर जाएगी ना बाथरूम में तो वैसा ही जी। होता है, पर मैं बाहर रहती हूँ ना एकदम क्लियर रहती हूँ, ऐसा कुछ लगता नहीं है।
पर जी अंदर जाएंगे तो हाथ धोने लग जाओगे, हाथ को देखती है तो कुछ तो लगा है, ऐसा ही लगता है बार बार। जी 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 तो उस टिप्स और हाँ, बता देता हूँ। इससे तो एक समझ आता है कि आपने जो बोला ना, मतलब हाँ पूरा मैं वीडियो अभी तक देख नहीं पा रही हूँ, क्योंकि कस्टमर रहते ना तो बहुत बिजी रहती हूँ, तो सुन शाम के टाइम फिर 11 बजे तभी कुछ तो देख लेती हूँ एक वीडियो, इसलिए पूरा वीडियो मेरा नहीं हुआ है, जितना हुआ है उतना मैं आपको बता रही हूँ, उससे सीखी हूँ कि समय पे छोड़ दो सब, पूरा देख नहीं पा रही हूँ ना। जी कोई बात नहीं, अभी मैं साथ में हूं ना, आज मैं एक टिप देता हूं। जब भी आप हाँ वॉशरूम में जाए ना, तो पहले हाँ एक पेज के ऊपर लिख लें कि ओसीडी देवी तू आ जा, मैं नहाने जा रही हूं। तो वो आप उस कागज को साथ लेकर जाएं, ओसीडी को कह दे हाँ कि मैं नहाने जा रही हूं तू आ जा। तो क्योंकि वो आएगी ना, वॉशरूम में जाते ही आपको दीवारों का ख्याल आएगा कि दीवारें गंदी हैं, इन्हें साफ करो, मग्घा बाल्टी फर्श सारे गंदे हैं, उनके बारे में हाँ ऑब्सेशन। तो आपने पहले ही लिख के रखना है कि ये ओसीडी बोल रही है कि हाँ ओसीडी रानी तुम आ गई, अच्छा तुम आके क्या कर रही है कि फर्श गंदा है इसे धो, अच्छा ये कह रही है। तो आप इस तरह से ओसीडी को अपने आप से अलग कर लें, ओसीडी हाँ अलग है आप अलग है। जब आप इस तरह से ओसीडी के साथ व्यवहार करेंगी तो ओसीडी आपसे कंपल्सन करवा ही नहीं पाएगी। हाँ जी ठीक ज्यादातर है ऐसा होता है ना, गलती ओसीडी वाले ये करते हैं कि वो उन डाउट्स को या उन ऑब्सेशन को आने ही नहीं देना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि विचार ना आए, मेरे मन में ऐसा आना नहीं चाहिए। तो ऐसा अगर आप होते हो करते हो तो ज्यादा आएंगे। आपने पहले ही लिस्ट बना के ले जानी है ओसीडी की कि ये चीजें मुझे वॉशरूम में आनी चाहिए। तो आप पहले ही कहो कि आ जाओ भी, तो जब आप कहोगे ना कि ओसीडी आ जा तुम, तो ओसीडी आएगी नहीं, क्योंकि मन की साइकोलॉजी उल्टी है। मन उल्टा हाँ काम करता है, जिस विचार से डरोगे वो विचार डराएगा, और जिस विचार के पीछे भागोगे वो आगे भागेगा। तो अब आपने ओसीडी के पीछे नहा धो के पड़ जाना है, ओसीडी के कारण नहाना धोना नहीं है, ओसीडी के पीछे नहा धो के पड़ जाना है। आप ये कीजिएगा सरस्वती जी, आप नॉर्मल समय में नहा करके बाहर आ जाएंगी कि वो ओसीडी कहेगा कि हाथ गंदे है, तो आपने कहना कि अच्छा आ गई ओ सीढ़ी, तू कह रही है हाथ गंदे है, ये ऑब्सेशन दिया। अच्छा आगे बता, और बता क्या क्या है। आप बैठ जाइए कि हाँ ओ सीढ़ी सामने बैठी है, तू और बता। फिर ओ सीढ़ी कहेगी हाँ ये हाथ कहीं और टच हो जाएगा, वो जगह ही गंदी हो जाएगी। फिर कहोगे अच्छा ये बात है, अच्छा और बता और क्या क्या होगा। तो उससे बात करते रहे, उसे पूछते रहे, वो कुछ देर बाद में बोलना ही बंद कर देगी, ओ सीढ़ी बोलना ही चुप हो जाएगी। वो सोचेगी अरे इसने तो मेरे मजे लेने स्टार्ट कर दिए, वो चुप करके भाग जाएगी, वो दरवाजा खोल के भाग जाएगी। फिर आपने दरवाजा बंद करके पकड़ के कहना कि मेरे साथ रह, अरे नहाना के साथ आप बदसलूकी करनी है। जी जी ये करके देखिएगा। हाँ जी सरस्वती जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। संध्या जी आप सुन पा रहे हैं, संध्या मित्रा जी, संध्या मित्रा जी आपके माइक में या फोन में या नेटवर्क में कहीं ना कहीं तो कुछ खराबी है। सर, आपकी आवाज आ रही है। हेलो हाँ अब हेलो, हेलो, अब आपकी आवाज आ रही है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग, कैसे हैं संध्या जी? सर। ठीक हूँ सर। जी जी संध्या जी बोलिए, संध्या जी ने कल ही कोर्स ज्वाइन किया है। जी संध्या जी हेलो, संध्या जी आपके पास ना नेटवर्क वीक है, इस कारण से दिक्कत आ रही है। या सर, नेटवर्क इधर वीक है सर। हाँ आप छत के ऊपर चढ़ जाइए, हेलो, आप टावर पे या छत पे चढ़ जाइए। हेलो संध्या जी, तो संध्या जी जब तक अपने स्ट्रोंग नेटवर्क में जाती हैं तब तक हम बाकी व्यूअर से बात कर लेते हैं। इसके बाद हैं नेक्स्ट व्यूअर,
तिनसुकिया जी, तिनसुकिया जी, शैलजा जी, जगदीप शर्मा जी, हीरेन, मनु कुमार, आप में से कोई भी अनम्यूट करना चाहे, हैंड रेज करना चाहे तो आपका स्वागत है। आप भी अपना सवाल जरूर रखें। शैलजा जी, तिनसुकिया जी, हीरेन, अंकल लाविया और मनु कुमार, आप में से कोई भी। जी, तो शैलजा जी का आ चुका है। शैलजा जी वेलकम है। जी शैलजा जी, सर जी, कैसे हैं ठीक जी? तो बताइए कैसा चल रहा है आपका? सर, मेरे 11 अध्याय हो गए हैं। अरे वाह, फिर तो एक ही बचा है, 12वां। 11 ही है, मैंने 11 ही तो डाले हैं। हाँ जी, हाँ जी, 12वां तो 16 मिनट का ही है। अरे 12वां अभी बनाऊंगा मैं, मार्च में 12वां बनाऊंगा। तो कैसे लगे आपको 11 अध्याय? सर अच्छे सही लगे हैं सर, उनको सुन के तो लग रहा है कि मैं मतलब ठीक हो रही हूँ। हाँ सर मेरी मेन जो प्रॉब्लम है ना, जो स्टार्टिंग हाँ से है सर, मुझे जी जैसे हर किसी को हाथ धोने का होता है जी सर, मुझे नहाने के साथ मुझे सिर धोने का भी है कि सिर भी साथ में नहाऊं तब जाके शुद्ध होंगी मैं। हाँ, वो भी तो है ना कि बिना सिर धोए तो नहाना हुआ ही नहीं है। हाँ जी, तो ये भी आपकी कंडीशनिंग है हाँ जी, जी। तो क्या क्या इलाज हुआ, कहाँ कहाँ आप ठीक हो गए और क्या क्या बचा हुआ है वो बता दीजिए पूरा। सर मतलब ये मैं वैसे नहाती तो एक बार ही हूँ दिन में, बड़ा जी कम हो गया है मेरा। वो तो जिस दिन कभी डस्टिंग करनी होती है तब मैं नहाती हूँ 2 बार, जी तो बाकी ये चीजें तो नॉर्मल हो गई है। तो सर बाकी जो कि हो धीरे धीरे और काम, जैसे किचन में काम करने लगी हूँ नहाने के बाद, ऐसे होता था ना कोई मेरे को छू ना ले बस नहाने के बाद, तो जी अभी डर भी निकल रहा है सर मेरा ना। अरे वाह, तो आपको बहुत फायदा दे रहा है गीता कोर्स। हाँ जी सर, क्या मतलब मैं गीता कोर्स के बारे में जानना चाहती हूँ, क्या क्या मतलब मैजिक अरे आपको कैसे लगा? सर? ऐसे लगा कि हाँ उसको पढ़ने के बाद हाँ काफी मतलब हाँ ठीक हो रहा है, ये चीजें अपने आप ठीक होगी। हाँ, गीता कोर्स जादू है, मैजिक जैसा ही है। ये मैजिक बहुत से लोगों पर असर किया है, क्योंकि लाइव क्लास में तो 100 के करीब अभी एक्टिव कोर्स ज्वाइन किए हुए हैं, लेकिन आज ही आ पाए हैं। सब पे ये मैजिक सिर चढ़ के बोल रहा है। सबके मेरे पास कमेंट आते हैं, सभी बताते हैं कि सर गीता कोर्स से हम बहुत ठीक हो रहे हैं, मजा आ रहा है। हाँ जी सर, जी, तो आप गीता कोर्स से जुड़े रहें। अभी मैं मार्च के अंदर लगभग 10-15 नए वीडियो भी डालूंगा और 12वां अध्याय भी। तो हर महीने मैं कोशिश करूंगा कि हर महीने एक एक अध्याय कंप्लीट करता जाऊं और नए नए वीडियो बनाता जाऊंगा। तो मार्च के अंदर वीडियो आएंगे, उसमें 4 स्टेप थेरेपी का फुल वीडियो आएगा। उसके अलावा और भी नए नए मैंने कुछ फार्मूले निकाले हैं, ओसीडी से संबंधित बहुत सारी रिसर्च मैंने की है, हाँ वो सर, भी। वो देखा था जी आपका, वो जो जो आप नाले पे लेके जाते हो, सर वो सब हमारी भी सेम प्रॉब्लम है वैसे ही, कि गंदगी लगती है पॉटी से शुशु से। अरे तो आपको, ये आपको भी मैं नाली में लेके चलता हूं सर हम चले गए थे साथ में जी। आ जाओ फिर, सिरसा कब आ रहे हो? सर, सिरसा तो बहुत दूर है यहाँ से। अरे दूर नहीं है, लोग तो अमेरिका, इंग्लैंड तक चले जाते हैं। नहीं सर मेरा वैसे काफी हद तक ठीक हो रहा है, मेरे को लगता है कि आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आना तो पड़ेगा। अच्छा हाँ, एक बार तो आना पड़ेगा। चलो देखेंगे सर जी अभी। जी हाँ जी सर, तो जी जी सर दो तो, जी, क्या कह रहे हैं? कितने दिन के लिए आना पड़ेगा? एक 2 दिन के लिए। तो अच्छा जी, उसमें बस आप देखिए, क्यों मैं ये नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, वो आपकी श्रद्धा है, आना चाहे ना आना चाहे, लेकिन आएंगे तो अच्छी बात है, कुछ नया सीख करके जाएंगे और आप मिलेंगे, आप यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, मैं कुछ और जो चीजें बताऊंगा तो आप बहुत हल्का फील महसूस करोगे। और कुछ सर यहाँ मेडिटेशन से हाँ जी, 8-9 घंटे का रास्ता है यहाँ से काफी, कहाँ रहते हैं आप? रुड़की में सर।
अरे रुड़की, ये पास में रुड़की है, मैं हरिद्वार जाता हूँ तो रुड़की होकर के जाता हूँ। हाँ जी, कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ, रुड़की मैं ही आ रहा हूँ। ठीक है सर, जी, बहुत बहुत वेलकम। धन्यवाद। हाँ जी, मोस्ट वेलकम सर, आप आओ। ठीक बस मैं इसी साल में आ जाऊंगा, इसी साल भी आ रहा हूँ, मैं सारे भारत में इस साल भ्रमण करूंगा। ठीक है जी, जी, ठीक। तो ये शैलजा जी थी। अभी मनु कुमार जी की रिक्वेस्ट आई है। मनु कुमार जी कैसे हैं? मनु कुमार जी आप सुन पा रहे हैं? मनु कुमार जी कहाँ चले गए? मनु कुमार जी आप सुन पा रहे हैं? मनु कुमार जी लगता है अनम्यूट करके भूल गए हैं। तो अभी हम नेक्स्ट व्यूवर की तरफ चलते हैं। तीन सुकिया जी, हिरेन जी, आप में से कोई भी अनम्यूट करना चाहें तो आपका स्वागत है। पहले तीन सुकिया जी, हिरेन, मनु कुमार जी, उसके बाद हम जगदीप जी से भी बात करेंगे। तो जगदीप जी को हम सभी मिलकर के मोटिवेट करेंगे, जगदीप जी भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलिए, बाकी जब तक अनम्यूट नहीं करते हैं, जगदीप जी से बात कर ली जाए। हेलो, हेलो जी। हेलो दीपे, की हाल है? बढ़िया, बस सर, चल रहा है। सर ओ यार दीपे, तू तो फोन ही नहीं करता। मैंने ना आपको उस दिन, आपने जो रात को बोला था पिछली क्लास में, मैंने सर 4 बार फोन किया। आप तो शायद बिजी होंगे, आपने एक दो बार काट दिया, एक दो बार उठाए नहीं। अरे दीपे, मैं रात नू कटी फोन चकदा होना ना, सारा दिन फोन चक चक के फिर लगता है भी हूं मनु पया ही रखदा। 10-11 बजे लगाया था सर, एक दिन ही लगाया था रात को। कल तो रात को आपने उठा लिया था। हाँ कल मैं लेट सोया सी ना। हाँ जी, आपने बैक कॉल कर दी थी कल तो। तो हाँ, और पापा सर, मम्मी कभी ठीक है सब? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर। ये आज के में लग रहे हैं? सर बात इतनी है ना, पहले तो होती थी कोई घटना, 2-3 दिन में भूल जाते थे, या उसका थोड़ा कम होने लगता था, डर लगता था, जो हाथ भी कम धोते थे वो सब कुछ कम करते थे, रिचुअल्स। लेकिन सर अब ये जो रात को आपको घटना बताई सर, उसमें ना फंस चुके हैं, निकल ही नहीं रहे हैं, ऐसे लगता है कोई काम नहीं कुछ कर रहा। जी, वो ना मन ने पकड़ी हुई है। इसके लिए ना आप वो जी मेडिटेशन हिप्नोथेरेपी वाला प्रयोग ट्राई कीजिएगा, कि मन है ना वो पकड़ के रखे हुए है, कि फाट गंदा होता है, उससे घर गंदा हो गया, हुआ कुछ भी, क्योंकि जी आपके घर में बाकी फैमिली मेंबर भी तो रहते हैं, उनको कोई गंदगी नहीं लगती है। ये आपको जो गंदगी लग रही है वो मानसिक गंदगी है, उसका रियल गंदगी से लेना देना नहीं है। आपको कोई स्मेल आ रही है? जगदीप जी, घर में कोई स्मेल आती है? जी सर, वैसे तो नहीं तो आती नहीं सर, आती तो फाट अभी तक थोड़ी ना पड़ा है। तो अगर बस समय आती तो मानते भी घर गंदा है, तो इसका मतलब ये आपका ऑब्सेशन है, ये ओसीडी बोल रही है कि घर गंदा है। सर जब हम देखते हैं कहाँ है, क्या है, कुछ लगा है सर, वो तो जी, हमें भी पता है सर, नहीं मल्ले खत्म खत्म, लेकिन सर मन नहीं अब होता, वो चेन खुलता नहीं ओसीडी फोन सर, बनाती ऐसा है ना, चेन बन ओसीडी का जाती है। काम और क्या है? चेन बनाना, उसमें उलझाना। जो उस चेन को सच मान लेता है उसको ओसीडी फंसा लेती है, और जो चेन को सच नहीं मानता है उसको डीवैल्यू कर देता है, वो बच जाता है। तो गीता कोर्स आपको अपने ऑब्सेशन को, थॉट्स को, या उनको हंसी मजाक में उड़ाने के लिए तो बस संदेश दे रहा है। जी जी जगदीप जी, सर, बस ना चेंज ले। दीपे मैनू लगता है तेरे को भी ता रेंज दी प्रॉब्लम हैगी है। हाँ जी सर, थोड़ी है, अभी अभी तो हाँ चल हूं रहा तो सही। सही चल गया। हाँ जी, की कह रहे थे तुझे? हाँ जी, हाँ जी सर, चेन तोड़ने का कोई फार्मूला बता दीजिए, उससे बहुत राहत मिलेगी। की तोड़ना है? चेन चेन सर, जो एक यहां से यहां लग गया, यहां से यहां लग गया, खींचे ये चले गल जाते कहनी है कि ये मेरी चेन थोड़ी ना है, तो ओसीडी दी चेन हैगी है, ये तो मेरी बीमारी सर। चेन है बनाई वाली है। मैं अलग हैगा, मेरी बीमारी अलग है की है। तो तुसी उठो, उठ के जदों भी मन चेन बनाने लगे, उठो उठ के अपने कम ते आ जाया करो। कोई भी कम करना जिथे सोनू मन लगता है, जिथे सोनू
वधिया खुशी मिलती है वो कम बार बार कराया करो, बिजी रहना है सर, तभी सर जब ऐसा होता है ना तभी मन काम करने को कोई मन ही नहीं करता, फिर सब कुछ ऐसा लगता है खत्म हो गया। अगर आपने काम नहीं किया तो ओसीडी बढ़ जाएगी, तो आप काम जरूर करें, बिजी रहें, जो बिजी रहते हैं उनको ओसीडी परेशान नहीं करती, उनकी ठीक भी हो जाती है, और जो फ्री रहते हैं ऑब्सेशन में ही उलझे रहते हैं उनको ओसीडी और ज्यादा परेशान करती है। तो दीप्य आ करना है, पहला तो हम फ्री नहीं रहना, करे नहीं रहना, कम करते जाना है, ठीक है। हेलो, लग रहा है दीपा होनी सर, मैं मुझे हाँ जी, हाँ जी सर, ठीक है, हाँ कम से जाना है सवेर तो ही, हाँ जी, हाँ जी सर, ओके सर जी। अभी ये थे जगदीप शर्मा जी, जिनको प्यार से दीपा बोला जाता है, तो ये हमारे हंसमुख से बड़े अच्छे इंसान हैं, मैं भी इनको दीपा ही बुलाता हूँ। तो अभी मनु कुमार जी आ रहे हैं, मनु कुमार जी सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो, हाँ जी हेलो, हाँ सर नमस्ते, नमस्ते, कैसे हैं? ठीक है सर जी, कोर्स लिए हुए कितना दिन हो गया? सर आज ही लिया है सर। आज ही लिया है? हाँ हाँ, तो आपने तो कुछ देखे ही नहीं होंगे वीडियो, तो चलिए कोई बात नहीं, आज प्रॉब्लम बता दीजिए फिर करते हैं थोड़ी बात। हमको बीडीडी जो है ना, बीडीडी क्या होता सर? डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर। हाँ 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 वही है सर, हमको लड़कियों से बहुत डर लगता है सर। किससे डर लगता है? लड़कियों से। अरे लड़कियों से डर लगने वाली बात है, लड़कियां डराती है या आप डरते हो? लगता है कि मेरे बारे में कुछ बात करे, जो मेरा गाल पिचका हुआ है, इसमें ही सब मन विचार आते हैं। बीडीडी है। अच्छा फिर शीशा देखते हो आप? हाँ हाँ शीशा देखते हैं। कोई बात नहीं, आप पूरा कोर्स लीजिए, आपको लड़कियों से डरना नहीं पड़ेगा, अलबत्ता आपसे लड़कियां डरा करेंगी। हाँ सर, हाँ सर, तो शादी हुई आपकी? नहीं सर, अभी शादी नहीं हुआ हमारा। फिर तो देखिए, अगर लड़कियों से डरोगे तो शादी कैसे करोगे? कहीं वो दूल्हा बना दे घर वाले और सामने दुल्हनी आए तो आप भाग जाओ कहीं बीच में से मंडप से खड़े होकर के। सर इसका उपाय थोड़ा, उपाय यही है कि आप कोर्स देखिए, फिर आपसे लड़कियां डरा करेंगी। यही दिक्कत है हमको, ये सर ओसीडी में आता है। ओसीडी की बहन है बीडीडी, ओसीडी की तो बहन है। अच्छा है, ठीक है सर। पहले तो गंदा डर लगता था ना, ऊपर से कचरा उठाते थे तो उससे डर लगता था जी। हाँ तो आपके वीडियो देख रहे हैं हम 6 महीना से, अब तो उस तरह मैं थोड़ा बहुत 70% ठीक हो गए हैं सर। जी जी आपका वीडियो देख कर और उतना डर नहीं लगता है, अब माइंड में ना जकड़न सा रहता है सर, एंजाइटी होता है जब जी, हाँ दिमाग में जकड़न सा रहता है। कोई नहीं, वो इस कोर्स से ठीक हो जाएगा, माइंड में जकड़न पकड़न अकड़न सारी निकल जाएगी। सर यही प्रॉब्लम था। कोई बात नहीं मनु कुमार जी, आप देखना कि कुछ ही दिनों में कमेंट करके कहेंगे कि लड़कियां मुझसे डरने लग गई हैं। सर तो वीडियो हम गीता कोर्स में देखेंगे ना सर? हाँ गीता कोर्स में इंट्रोडक्शन वाले वीडियो देखिए, इंट्रोडक्शन वाला। हाँ जी ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार, बाय 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 सर, बाय जी। ये थे मनु कुमार जी, इनको लड़कियां डराती हैं, इनकी लड़कियों वाली प्रॉब्लम ठीक होने वाली है। अभी दो पार्टिसिपेंट बचे हैं, टाइम भी काफी हो चुका है, तो टिन सुकिया जी या हिरेन जी आप में से कोई अनम्यूट करने में सक्षम हैं तो जरूर करें, वरना मैं आज की लाइव क्लास को समाप्त करने जा रहा हूं। तो अभी दो पार्टिसिपेंट बाकी हैं जिन्होंने अपनी बात नहीं रखी है, जिसमें एक तो टिन सुकिया जी हैं, हिरेन जी हैं। तो हिरेन जी और आप में से कोई भी अपनी बात रखना चाहें तो आप जो आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह से हैंड का आइकॉन बना होगा आप उस पर क्लिक कीजिए। जी हिरेन जी आ गए, हिरेन जी केम छो? हेलो हिरेन जी केम छो? बस सर मजा में, मैं केम छो? मैं भी मजा में छू।
अच्छा अच्छा वेरी गुड जी, आपने तो कल ही कोर्स ज्वाइन किया ना, 2-3 दिन हुए ना? नहीं, कोर्स ज्वाइन करे तो 6-7 दिन हो गए ना। अच्छा, क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा? देखा मैं तो वो जो दो तरह की पहली थी है थेरापी थी ना, हाँ उसके बारे में कुछ देखा था मैंने। तो जी, जो बुरा लगता है, जिससे डर लगता है, उसे छुओ। अच्छा वाह जी वाह तो मुझे लगता है कि सर मुझे ये करना चाहिए, पर जी आप क्या कैसे करना चाहिए समझ नहीं आ रहा। जी जी कोई बात नहीं, उसमें मैंने बताया भी तो है और भी बताऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। आप पूरी तरह से वो फाइट करिए कि जैसे आपको दरवाजा छूने से डर लगता है या जिन जिन चीजों से डरते हैं तो उनको छूना है, और वो कंपल्सन स्टॉप कर देना है, कंपल्सन धोना नहीं है, और मन को डाइवर्ट कर देना है, रिफोकस कर देना है। वो अभी रिफोकस की टेक्निक है, वो मैं अभी इसी महीने वीडियो बना करके डाल दूंगा। तो 4-स्टेप थेरेपी की वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड करने की प्रोसेस में हूँ, कुछ ही दिनों में डाल दूंगा। बाकी आप सारा कुछ करते रहिएगा। सर आप पर्सनली मुझे कॉल पे ये सब करवा सकते हैं? हाँ, पर्सनली मैं करवा दूंगा तो कब फ्री हो आप? जी। मैं तो फ्री रहता हूँ, उठने के बाद और सोने से पहले मैं फ्री होता हूँ। ओके, तो मैं कल आपसे बात करता हूँ, ठीक है? जी, मोस्ट वेलकम, ओके सर, थैंक यू सो मच, बाय। बाय। तो अभी सरस्वती जी कुछ पूछना चाह रही हैं। जी सरस्वती जी, जी कुछ कहना चाह रही हैं सरस्वती जी। हाँ सर, बिजी तो मैं बहुत हूँ, बिजी रहो बोलते हो पर बिजी तो बहुत हूँ, फिर भी क्यों ऐसा होता है? अरे वो आपने कंडीशनिंग कर लिया ना, वॉशरूम के साथ आपने कंडीशनिंग है, तो वहां पर ओसीडी बचा हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो आपने आज वही टेक्निक अपनानी है, वो भी हो जाएगी। तो देखिए, वॉशरूम के अलावा आपको कोई परेशानी नहीं बची है, सिर्फ वही बची है। हाँ, वॉशरूम जाते हो तो वही हाथ धो पैर धो, यही हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। धोने पोछने में बिजी होती जाती हाँ, उस है। पानी में जाएगी, साबुन में जाएगी तो वही काम होता है। अरे साबुन से ही प्यार होता है ओसीडी वालों को, और वो भी झाग हाँ से। झाग आया तो सफाई है, वरना मैंने ना ये हाथ 15 सालों से नहीं धोए साबुन से, इस चेहरे पहले पे 15 साल से साबुन नहीं लगा है। तो नहीं धोती थी, लेकिन अभी धो रही हो ना? हाँ अभी अभी भी छोड़ देना है ना, अभी बीमारी धो रहा है ना हाँ वही तो है, जी। बाकी बिजी रहती हूँ मैं, दिन भर कुछ नहीं प्रॉब्लम आता है, लेकिन वॉशरूम जाओगी तो प्रॉब्लम आता है, बाकी हाँ कुछ कोई नहीं बात है। नहीं, वो भी बंद हो जाएगा, मैंने आज जो टेक्निक बताई है उससे वो भी बंद होने वाला है। हाँ, ठीक है, थैंक ठीक है, यू बहुत सर। बहुत धन्यवाद। हाँ बाय। तो अभी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की तरफ चलते हैं। टिन सुखिया जी शायद अनम्यूट नहीं कर पाएंगी, बाकी सारे पार्टिसिपेंट हो चुके हैं जिनकी बात यहां पर रखी जा चुकी है। तो कल मिलते हैं या परसों मिलते हैं या कब मिलेंगे वो तो मेरा मूड ही बताने वाला है। तो जिस दिन भी मैं आऊंगा, पहले मैं नोटिफिकेशन भेज दूंगा, मैं अनाउंसमेंट भेज दूंगा, तो यही 7 बजे के आसपास का हम टाइम रखेंगे। अंत में मैं यही कहूंगा कि आप सभी ठीक हो जाएं, आप ठीक हो जाएंगे हमेशा, आप खुश रहें। मैं बाकी वीडियो भी बहुत जल्द ऐप के ऊपर डालने वाला हूं, आप देखते रहिएगा। तो सभी व्यूअर को मैं यही कहूंगा कि पहले एक बार वीडियो पूरे देख लें, उसके बाद शुरू से वीडियो दोबारा देख लें, क्योंकि पहली बार में 10-20-30% आपको समझ आएगा, दूसरी बार देखेंगे तो 60-70% तक समझ आएगा, और तीसरी बार में लगभग 90% समझ में आएगा। तो एक बार वीडियो देखने से चीजें आप भूल जाओगे, आपको 2-3 बार देखने हैं पूरे देखने के बाद। तो आपको ये कोर्स पूरा देखना है, उसके बाद दोबारा फिर तिबारा, फिर आपकी ओसीडी ठीक हो जाएगी। आपने ऐसा चमत्कार नहीं खोजना है कि हमने तो आज कोर्स ज्वाइन किया है कल ठीक हो जाएंगे, तो अगर ऐसा आप सोचोगे तो फंस जाओगे। आपने धीरे से आराम से आगे बढ़ना है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग, इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है।
भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा, आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब, भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक फायदे अनेक, आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।